नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत सुंदर बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारा पेट जो है वो ख़राब हो जाता है बार बार, और सुबह के समय में बार बार पेशाब लगता है। तो ये जो चीनी है, ये चीनी जो है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसी से बार बार पेशाब लगने की संभावना बना रहता है। तो बार बार जिनको पेशाब लगती है उनको ये चीनी जो है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चीनी खाने से बार बार पेशाब लगती है। पहला नंबर, जो लोग ज़्यादा खाते हैं चीनी उनको ही पेशाब लगती है। और आप लोग पूरी अगर खाते हैं, पूरी कहीं जग परोज में या घर पे, तो इसको पूरी खाने से पहले इसको इतना सा एक चम्मच खा लेना है, और उसके बाद में पूरी खाना है, उसके बाद में सब्जी खा सकते हैं, तो जो है पेट खराब नहीं होगा, पहला नंबर। और अगर बार बार पेशाब लगता है तो आपको नींबू लेना है, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा नींबू लेना है, और सुबह के समय में उस पर काला नमक रख करके उसको चूसना है। अगर ऐसे आप लोग करते हैं तो आपको पेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और एसिडिटी गैस जो है बनता होगा वो दूर हो जाएगी। लेकिन इस चीनी को सुबह के समय में आप लोग नहीं खाएंगे तो नहीं। तो बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि सुबह पेट खराब होता है तो चीनी लेकर के फांकने लगते हैं, तो चीनी में इतना गुण पाया जाता है, और शुगर जो है उस शुगर की बीमारी भी होने की संभावना बना रहता है इससे, और बार बार पेशाब लगती है, लेटिंग लगती है, यानी बाद में चल करके शुगर की बीमारी पकड़ लेता है। तो ऐसे बीमारियों से बचना है आप लोगों को, तो जब भी सीजन आए करेला का तो करेला खूब खाइएगा, लेकिन ये चीनी खाने से आप लोग बचिए, क्योंकि चीनी खाइएगा तरह तरह की बीमारी होगी, और शुगर की बीमारी अगर हो गई तो आप लोगों को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ माता दुर्गा जी की कृपा से बने रहें।